नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। प्रदेश में हाल ही में हुए टीचरों के तबादले के बाद स्कूलों में तालाबंदी का दौर शुरू हो गया है। दो दिन पहले फरीदाबाद के मवई गांव में स्कूल की तालाबंदी के बाद फरीदाबाद के ही ददसिया गांव में स्कूल में टीचर न होने के चलते छात्रों ने तालाबंदी कर दी। ये तस्वीर फरीदाबाद के ददसिया गांव के सरकारी स्कूल की है, जहां छोटे छोटे छात्र सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। छात्र स्कूल में शिक्षक न होने के चलते आक्रोशित हैं। उनका कहना है कि एक हफ्ते पहले जब से टीचर्स के तबादले हुए हैं, तब से उनके स्कूल में टीचर्स की कमी हो गई है, जिसके चलते उनकी पढ़ाई पूरी नहीं हो पा रही है। क्लास में टीचर न होने के चलते कुछ छात्र स्कूल से भाग जाते हैं, जबकि कुछ जो पढ़ना भी चाहते हैं वो टीचर उपलब्ध न होने की वजह से अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। छात्रों ने सरकार से मांग की है कि जल्दी उनके स्कूल में शिक्षकों की कमी को पूरा किया जाए। बच्चों के इस प्रदर्शन को देखकर गांव के बड़े लोग भी उनके साथ आ गए और उन्होंने भी मांग की है कि जल्द सरकार इस ओर कदम उठाए, जिससे छात्रों की पढ़ाई का नुकसान ना हो, क्योंकि अभी एक हफ्ते से ये स्थिति उत्पन्न हुई है और ना जाने कब तक ये स्थिति चलती रहेगी, जिसमें शिक्षकों के अभाव में छात्रों का काफ़ी नुकसान हो रहा है। अभिभावकों ने कहा कि सरकार का स्लोगन है पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, लेकिन जब स्कूल में टीचर ही ना हो तो स्कूल जाने का क्या फ़ायदा। फरीदाबाद से हमारे संवाददाता रिंकू शर्मा की रिपोर्ट। निवेदन है कि हमारे स्कूल में टीचर लाए जाए। अच्छा, और हमारी पढ़ाई का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, इस हमारा फ्यूचर बहुत ही बर्बाद हो रहा है। सरकार अगर चाहती कि हमारा फ्यूचर बच जाए तो प्लीज सरकार हमारे टीचर भेजे। जी, तो कब से टीचर नहीं है और कितना नुकसान हो रहा है अभी आपका? हमारे पिछले एक हफ्ते से टीचर नहीं है और हमारी पढ़ाई का भी एक हफ्ते से ही नुकसान हो रहा है। अच्छा, तो आपके जो क्लासमेट्स हैं जो आपके साथ पढ़ते हैं, वो क्लास में बैठते हैं, रुकते हैं, वो सेल्फ स्टडी करते हैं क्या? नहीं, कोई कोई बच्चा तो बाहर जाते हैं, लेकिन जिसमें थोड़ी बहुत समझ है वो अपने आप से ही पढ़ाई कर लेता है। अच्छा, लेकिन सरकार मैं तो ये निवेदन है कि सरकार बस हमारे लिए टीचर भेज दे और हमारे फ्यूचर अच्छे से हो, हमारा फ्यूचर बर्बाद ना हो। क्या नाम बताओ? क्या नाम है? मेरा नाम अनन्या है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सोनम है। जी, तो कौन सी क्लास में हो आप? मैं सिक्स क्लास में हूँ। अच्छा, आप भी सिक्स में हो? हाँ। तो आपकी क्लास में टीचर नहीं आते आपके स्कूल में? नहीं आते। तो हाँ, सरकार से क्या कहना चाहोगे? आपकी यहाँ पे पढ़ाई नहीं हो रही है, स्कूल में बच्चे पीछे हो रहे हैं। मैं सरकार से यही कहना चाहूँगी कि हमारे एक हफ्ते से बहुत ज्यादा पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, सरकार हमारी तरफ आँख उठा के भी नहीं देख रही है। सरकार और स्कूल में तो टीचर भेज दिए हैं, लेकिन इस सरकारी स्कूल में एक भी टीचर नहीं भेजा है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहती हूँ कि हमारे स्कूल में टीचर भेजे और हम भी पढ़ाई करना चाहते हैं, एक बड़ा ऑफिसर बनना चाहते हैं, इसलिए हम सरकार से निवेदन करूंगी कि सरकार हमारे स्कूल में टीचर भेजे। नाम क्या था आपका? सोनम। सोनम जी, आप बोलोगे? आप आ जाएगा, आप बोलोगे? मिडिल स्कूल में एक भी टीचर नहीं है। अच्छा, जब हमने गांव के सभी लोगों में इस तरह की बातें की तो उनमें बहुत रोष आया उस चीज का जी, और आक्रोशित हैं। तो इतने दिनों से कैसा माहौल रहा है स्कूल का? छात्र पढ़ भी रहे हैं, क्लास में ठहर रहे हैं या नहीं ठहर रहे? नहीं, अब जब टीचर नहीं होंगे कहाँ वो ठहरेंगे? फिर कहाँ ठहरेंगे वो? फिर तो नाम मात्र रहेंगे, जैसे कोई एक भेड़ बैठी हो जी। तो अब सरकार से हम जो उन्होंने स्लोगन दिए हैं, वो स्लोगन थे, जुमले थे, जैसे मैंने आपको दिखाया, आओ बच्चों चलो चले स्कूल। जब स्कूल कहाँ से चलेंगे जब टीचर नहीं होंगे? बढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, वो इंडिया कहाँ से बढ़ेगा ये बताओ आप हमें। जी सर, हरियाणा सरकार द्वारा लगातार ऐसी योजनाएं बनाई जा रही हैं, जिसमें जो है बताया जा रहा है कि सरकारी स्कूल के छात्रों को ही यहां पर जो है पैसे देने पड़ेंगे पढ़ने के लिए, वही जो प्राइवेट स्कूल है वहां पर जो है उनको सरकार पैसे देगी पढ़ने के लिए, ऐसी योजनाएं बनाई जा रही है। देखो सुनो, ये अब इससे जैसा आपने बताया कि प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पैसे दिए जाएंगे, अब हमें कुछ ऐसा लग रहा है कि सरकार ये सरकारी स्कूल खत्म करके प्राइवेटीकरण करती जा रही है। जैसे सरकार का नारा था कि मैकाले ने हमारी शिक्षा पद्धति खराब कर दी, मुझे लग रहा है कि ये शिक्षा ये जो सरकार है ये हमारी शिक्षा पद्धति को खत्म करती जा रही है। सिर्फ एक वर्गीकरण हो रहा है प्राइवेटीकरण का, यानी कि सरकार इससे तो ये लग रहा है कि सरकार पूंजीपति के हाथों बिक रही है। ऐसे प्राइवेटाइजेशन हर क्षेत्र में हो रहा है, तो आप आगे भविष्य में कैसे देख रहे हैं देश को? सर, प्राइवेटीकरण का क्या करेगा? हम मैंने आपसे क्या कहा, ये गांव दूरदराज का इलाके गांव है, खाली इसमें अमीरों के बच्चे नहीं पढ़ते हैं, गरीबों के भी हैं, जो हमारे खेतों में काम करते हैं, माली हैं, काफी जनजातियों के बच्चे पढ़ते हैं, उनको कैसे कहाँ? यदि सरकार भी अपनी तरफ से आगे मूंद लेगी तो ये बच्चे कहाँ जाएंगे? उनका भविष्य चौपट है। आप आज देख रहे हो ना कि प्राइवेटीकरण में 10,000 रुपए की फीस हो चुकी है, फिर तो उनकी मनमानी चलेगी। जी।
हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।